वेलकम टू ओपो कैमरा फोन प्रेजेंट्स कॉमेडी नाइट्स बचाओ ताजा। एक मिनट भाई, एक मिनट। सॉरी हाँ, जूस है किसी के पास? जूस है? एक मिनट, क्या जूस जूस या भारती, तू कहीं भी शुरू हो जाती है। अरे जूस वूस इसलिए मांग रही हूँ कि आज बहुत लोग आने वाले, मैंने खुद इन आंखों से 4 ट्रक देखे थे लोगों के भरे हुए। 4 ट्रक? हाँ, तुम्हें ऐसे लगेगा कि आज कॉमेडी शो नहीं, छोटा सा कुंभ का मेला लगा हुआ है। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं तुम बिन टू की टीम से। वाह, फिर से ऐसा नहीं लग रहा कि कोरियन फिल्म के विलन जो हैं अपनी पूरी टीम को साथ में लेकर। बस आप पिछली बार भी यही डालो, इस बार भी यही डालो, कुछ तो अलग करो। तो भैया आप भी थोड़ी ना बदले हो। क्यों? अंकित तिवारी आया, अरिजीत सिंह थोड़ी आया है। पूरी कास्ट तो आई, हमारे डायरेक्टर साहब आए, अनुभव सिन्हा जी के लिए जोरदार तालियां तुम बिन। बहुत बढ़िया बनाई सर। सर बहुत बढ़िया लग रहे हैं सर आप। हाँ बोलो, आगे वाली बात बोलो। नहीं ऐसा लगा ही नहीं डायरेक्टर, ऐसा लगा कोई चाचा जी आए हैं बच्चों के साथ। हमारे बच्चे हैं आए ना सर, इतने छोटे छोटे बच्चे ले लिया आपने फिल्म में। हाँ। ऐसे लगा स्कूल के बाहर ही खड़े होंगे। हाँ। जैसे नर्सरी क्लास को छुट्टी, बेटा फिल्म करोगे? आजा बेटा, आजा आजा, छोटे छोटे बच्चे। हाँ सर, ये सर ये कास्टिंग कैसे की सर आपने? ऑडिशन से लिया, बस बच्चे अच्छे ऑडिशन किए उन्होंने, बहुत अच्छे। सच सर, ये ऑडिशन से बच्चे निकले हैं? हाँ। हम तक मैसेज ही नहीं आता ऑडिशन का। ऑडिशन का मैसेज कैसे आएगा भारती, हम लोग बिजी रहते हैं काम करने। यार ये तो बात सही है, लेकिन सर क्या कास्ट किया आपने, एक बार जोरदार तालियां तुम बिन टू की टीम के लिए। भारती जी। हाँ जी। किसे बिठाएं हम सिंहासन के ऊपर सबसे पहले? अनुभव सर को बिठाएं सबसे पहले? मैं कट्टा लाया हूं साथ में। कट्टा? गोली मार दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कट्टा लाए, हमने बहुत बड़ा तोप रखा है अपने साथ। अंकित बताओ ना किसको बिठाएं, डर की बात है। मैं भी सोचता हूं एक्चुअली। मैंने सोच भी लिया, अंकित आदित्य और हॉट नेहा। आइए आप लोग सिंहासन पे आइए। जितनी क्यूट है ना उतनी लगती नहीं है, बहुत तैयारी करके आ रही है ये। बिल्कुल लगती नहीं है। ऐसी एफबीआई यही होने वाला है। लगती नहीं है। और यही होने वाला कचक। बस इतना हुआ ना, इसका भचक ऐसा होगा। अनुभव सर, कभी आप ब्लाइंड डेट पर गए अपनी लाइफ में? आज आया हूं। चलिए अनुभव सर, मैं आपको दिखाता हूँ एक लड़का लड़की ब्लाइंड डेट पर जब जाते हैं। हाँ। तो क्या क्या होता है। जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने यंग हीरो बैठे हैं, इतने अच्छे सिंगर बैठे हैं, तो मैं उधर क्यों गई? भैया जिसने काम देना उसके साथ चापलूसी अच्छी लगती है, ये कहां से काम देंगे? हाय अंकित। हाय। कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। इतने रॉक स्टार मतलब ये है ना, अंकित तिवारी के लिए जोरदार तालियां। क्या गाते हैं आप, क्या पैसे लेते हैं? ओहो, लाखों में पैसा लेता है ये बंदा। कम से कम 50,000 देके अच्छा मेकअप मैं नहीं रख रहे जो हैंडसम दिखे। क्या करते हो यार, वैसे क्या गाते हैं? रॉकस्टार बंदा है वाकई, मैं इनकी आवाज की फैन हूँ। अब जस्टिन बीबर देखो, गाते थे पब्लिक में घुस जाते थे ना, छलांग लगाते, पब्लिक हाथों में उठा लेती थी। इन्होंने भी किया कानपुर में शो था, ये भी गा के पब्लिक में गए और पीछे कर लिया हाथ। कहते नहीं भैया खाना खाना बार बार हाथ कौन धोएगा। हाय नेहा। हाय भारती। आपकी तुषार के साथ फिल्म आई थी, आपको पता है जब वो फिल्म रिलीज हुई थी जितेंद्र जी ने देखी रोने लग गए। कहते यार मैं ऐसे अपने बेटे को कहता रहता, तू अच्छी एक्टिंग नहीं करता, नेहा के सामने तो सुपरस्टार लग रहा है। लेकिन सच में वो क्या गाना था आपकी फिल्म का, तेरी आपने शर्ट क्या डांस किया आपने जी? या, मैं तो मतलब अब नेक्स्ट पिक्चर में आपको कॉपी करने वाली हूँ। ये देखो सर। अरे भाई साल के 60 घंटे आती हूँ टीवी पे, 4 घंटे वाली मुझे कहती कॉपी करूंगी। लेकिन नेहा आई लव यू, आपकी ना क्या ग्राफ है यार, आपने फिल्में कहाँ से कहाँ शुरू, विवेक ओबरॉय, ओहो तुषार कपूर, जैकी बगनानी, अब इन लोगों के साथ देखना आप कहाँ से कहाँ जाती, क्या बात है, क्या फ्यूचर। आपको पता है घर में बच्चों को हम डांटते हैं, थप्पड़ मारूंगा फेल होके आया,
शर्मा जी की बेटी को देखा है? जब नेहा को देखा फिर कहते बेटे फेल हो जा, लेकिन शर्मा जी की बेटी को मत देखा। अंकित बड़ा अमीर सिंगर, आपको पता पैसे वाला क्या पैसे मांगता है लाखों में। इनके घर चोरी हुई थी एक बार, चोर गया इनके घर से खिड़की कूद के, उन्होंने गहने देखे और अंकित को कहा, अंकित की गर्दन पे चाकू रख दिया। अंकित ने कहा भाई गहने उधर है, कहते वो नहीं मैल दिखा रहा हूँ गर्दन की, अच्छे साबुन से साफ तो किया कर। लेकिन यार क्या करे, कैसे हो आदित्य? बहुत बढ़िया। आपको पता है किस सोफे पे बैठे हो आप? इस सोफे पे एक दिन शाहरुख खान बैठा था, और आज वो बात सच हो गई सर, इंसानों के नहीं फर्नीचर के भी बुरे दिन आते हैं। आदित्य वैसे एक बात बोलूं, आप क्लीन शेव हो जाओ ना तो करण भाई की छोटी बहन लोगो। लेकिन ना आज मैं ब्लाइंड डेट पे आई हूँ यार, मैं FB पे चैट करती थी ना, पता नहीं वो कैसा होगा, वो आने वाला है। हाय। मेरी भी हाय। अरे आशिम तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? तेरा शो देखने आया मेरे भाई। सब कुछ ठीक ठाक? सब बढ़िया ना? चल यार कैसा है, सब बढ़िया हो रहा है। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो? नमस्ते यार। नमस्ते। नमस्ते। ओह शाहरुख खान आया, सबका हाल पूछना है। कैसे हो आप? कैसे हो आप? नमस्ते यार। पजामी टाइट करो, अगला डायलॉग बोल चल। फिर मैं एक बात बता, बाकी सब तो ठीक है, ये लड़का कौन है ब्लू जैकेट में? तो मैं टाइम दे, गूगल में सर्च करके आके बताती हूँ। गूगल पे तुझे पता होगा। मैं यहाँ पे ना मतलब एक काम की बात करूँ? बोल। मैं ब्लाइंड डेट पे आया हूँ, मेरे को एक लड़की मिलने आ रही है, तो प्लीज मैं जरा ढूंढ सकता हूँ उस लड़की को? अबे यही है। प्लीज ढूंढ सकते हो? हेलो हेलो, यही है यही है। अबे ये थोड़ी है, वो देख वो जो साथ में हॉट सी बंदी बैठी है ना, वो नीली जैकेट वाला लड़का है। अबे वो लड़की के साथ वाली जो लड़की है ना, देख जो हंस रही है वो नेहा। वो हो ही नहीं सकती। क्यों? कैसे पता तेरे को वो है? यार देख कितनी क्यूट सी है, देख मतलब स्माइल देख कितनी अच्छी। तूने उसको पहले देखा? फोटो वोटो भेजी उसने कोई तेरे को? एक्चुअली हाँ यार, इसी की, मेरे को मुझे लग रहा है इसी की फोटो थी वो। इसकी फोटो हो ही नहीं सकती। क्यों? अरे बंदी ने काम किसके साथ किया? विवेक ओबरॉय, तुषार कपूर। तेरे को लगता है उसके पास कैमरे वाला मोबाइल होगा? मैडम आप जाओ ना यहाँ से। एक मिनट, तू तो कह रहा तेरे बड़े दोस्त आए हैं यहाँ पर। तो मेरे दोस्त हैं यार ये, अब तू देख आशिम मेरा दोस्त है। वो तेरे को भाव तक नहीं दे रहा, तब तूने कभी कूनी और घुटना एक साथ खाया? I don't know this man, यार कौन? मेरा दोस्त एक्चुअली आदित्य है। अच्छा। कभी तेरे मुंह में किसी ने छाता रख के खोला अंदर? एक्चुअली खोला है, तभी तो आवाज ऐसी हुई है। हाँ। भाई अभी तो ये ठीक हो गई है, जो पहले चप्पल लटकी हुई थी उसका मैं बता नहीं सकता। चल चल बस, और किसको जानता है? अनुभव सर को जानता हूँ मैं। अब बोल बोल बोल। ना बेटा जा तू स्ट्रगल कर, मेरे को पता किसके बारे में बोलना किसके बारे में नहीं, मेरे को भी तो फिल्में करनी है ना। लेकिन एक बात बोलूं, गुड गुड गुड, अनुभव नहीं है। अरे अनुभव है। ना बेटा अनुभव नहीं है। अरे अनुभव है। रावण देखी ना तूने? देखा तूने? डायरेक्शन का अनुभव नहीं है। क्या? लेकिन क्या किया सर, बच्चे खुश हो गए। अनुभव जी के लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले हम डायरेक्टर साहब से पूछना चाहेंगे, सर कैसा लगा सर? बहुत कमाल लगा, मैं तो डर रहा हूँ कि अब मुझे नहीं ले जाने वाले ना उधर। आपके लिए स्पेशल। ये दोनों को तो मैं ऑडिशन कैंसिल करता हूँ अभी, इन दोनों को नहीं बुला सकते। मजाक से हटके सर कैसा? बहुत बढ़िया, मतलब तुम लोग जो करते हो यार वो इतने डबल एज स्वॉर्ड है कि यू हैव टू बी रूड। आई लव रूड। And you have you love rude? Yes, yes, I do. आप एकदम सान पाड़ा के कसाई लग रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, आई लव रूड। सर आप पीछे मुड़ के देखो, बकरा भी बैठा है वर्दी पहन के। लेकिन आपने डेट नहीं किया, आप लोग किस लिए आए थे? कौन डेट करेगा, ये खुद इतना बड़ा डेट है।
डेट अच्छे होते हैं, लव डेट्स बेबी। ओवरऑल बहुत अच्छा था, मजेदार। नेहा, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। एंजॉयिंग योरसेल्फ, ओके। आप में ना मुझे जवान राखी गुलजार जी नजर आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता। आदित्य, सुपर फन, सुपर फन। आप बताइए सर, हमारे तबला वादक जी ऐसे कुर्ता पहन के तबला वादक आए, कसाई और तबला वादक जी। बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत आराम से मैं बैठ के वेट करो कि कब हम हॉट सीट पे जाएं और आप एक्साइटेड हैं वहां जाने के लिए। बहुत ज्यादा। इनको भेज ही दो। हाँ भेज दो सर, आपको साथ लेके जाऊंगा। आइए प्लीज आइए। आदित्य और नेहा आप इधर आ जाइए। चलिए भारती और करण के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू करण, थैंक यू।